हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल सुपर इंडिया। मेरा नाम है राम और आज हम बात करने वाले की अपना जीनियस बिलियनर प्लेबॉय फिलैंथ्रोपिस्ट टोनी स्टार्क आखिरकार कितना पावरफुल है। ये वीडियो सीधा बेस्ड होगा कि टोनी स्टार्क एमसीयू के अंदर कितना पावरफुल था। प्लस एक बात मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि हम यहाँ पावर लेवल्स को कंसीडर कर रहे हैं जिसमें वो सब फीट्स है जो टोनी ने आज तक बैटल्स में दिखाए हैं। तो प्रिपरेशन और इंटेलिजेंस का कोई पॉइंट लेके कमेंट मत करना। तो आते हैं अपने टॉपिक पर, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये सारी सुपर हीरो इवेंट्स शुरू हुए टोनी के आयरन मैन बनने के बाद। आयरन मैन मूवी में एक गुफा के अंदर कबाड़ से काम चलाओ आर्मर बना लेने के बाद टोनी कभी रुका ही नहीं। आर्मर्स को अपग्रेड करने से शुरू हुआ ये सिलसिला उसके लिए एक शौक बन गया और ये शौक कितना बड़ा था वो हमने आयरन मैन 3 मूवी के एंड में देख रखा है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए चलिए अपने शोडाउन को शुरू करते हैं। हमारे पैरामीटर्स होंगे फ्लाइट, ड्यूरेबिलिटी, कॉम्बैट, एडवांसमेंट और आखिर में फायर पावर। तो हमारे सबसे पहले पैरामीटर की बात भी वहीं से शुरू करेंगे जहां से ये सब शुरू हुआ, मार्क 3 जिसे पहन के टोनी अफगानिस्तान लड़ने निकल गया था। अगर आपने उस पूरे सीन को ध्यान से देखा है तो वो 2 फाइटर जेट्स जिन्हें टोनी ने आउटरन किया था वो अमेरिका के F-22 रैप्टर्स है और उन रैप्टर्स की सुपर क्रूज स्पीड 1200 माइल्स पर आवर की होती है। यानी कि एक बात साफ हो जाती है कि मार्क 3 आर्मर उस स्पीड को भी पास कर सकता है, बट वो कितनी है जानते हैं। उस सीन में टोनी के हेलमेट के अंदर देखे तो सुपरसोनिक फ्लाइट फ्लैश होते हुए दिखाई देते हैं। अब सुपरसोनिक लिमिट देखे तो उसका मिनिमम होता है मैक 1 और अपर लिमिट होती है मैक 5। यानी इसका मतलब है कि मार्क 3 साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज रफ्तार से जा सकता है और ये स्पीड होती है 5976 किलोमीटर पर आवर। आयरन मैन 3 में एक पिस्टन आर्मर को भी दिखाया गया था जो कि एक हाई वेलोसिटी सेंचुरियन आर्मर था जो कि सुपरसोनिक फ्लाइट लिमिटेशन के भी परे जा सकता था। यानी कि मैक 6 भी टोनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वही अगर हम फ्लाइट रेंज की बात करें तो आयरन मैन 3 मूवी में जब किलियन के भाड़े के टट्टू टोनी के घर पे अटैक करते हैं उस वक्त टोनी ने मार्क 42 प्रोटोटाइप को पहना हुआ होता है जो कि 22% पावर चार्जर्स पर होता है। अगर उस शॉर्ट एनकाउंटर के दौरान भी मान भी ले कि 1% पावर डाउन हुई हो तब भी सिर्फ 20% पावर के साथ टोनी मिलीबू से तैनाहासी चला जाता है। और अगर हम अमेरिका के मैप पे इनके बीच की दूरी देखें तो वो होती है 3336 किलोमीटर। यानी कि सिर्फ 20% पावर में ये आर्मर इतनी दूर जा सकता है। तो पूरे 100% पावर को यूज किया जाए सिर्फ ट्रेवल करने के लिए तो इस आर्मर की रेंज होगी 16683 किलोमीटर और वो भी सिर्फ मार्क 42 की। ये दूरी इतनी है कि आप अटलांटिक महासागर को 2 बार क्रॉस कर दे फिर भी 4000 किलोमीटर बचे रहेंगे। वही अब कुछ धमाकेदार, नासा द्वारा बनाया गया X-43 आज तक का सबसे तेज एयरक्राफ्ट है जो कि मैक 10 की स्पीड तक जा चुका है और ये इंसान द्वारा बनाई गई सबसे तेज एयरक्राफ्ट है। पर इन्फिनिटी वॉर में दिखाई गई टोनी की मार्क 50 आर्मर एस्केप वेलोसिटी तक जा चुकी है यानी कि 11.3 किलोमीटर पर सेकंड। इन्फिनिटी वॉर के उस सीन में टोनी एस्केप वेलोसिटी पर ट्रेवल कर रहा था और एक एलियन क्यू शिप की स्पीड को मैच कर रहा था। तो जस्ट इमेजिन उस आर्मर के थ्रस्टर्स में कितनी पावर होगी। अब आते हैं सेकंड पॉइंट ड्यूरेबिलिटी पे। तो इस वाले पॉइंट में काफी कॉन्ट्रडिक्टिंग फीट्स है, वो कैसे चलिए देखते हैं। टोनी का मार्क 7 आर्मर इतना ड्यूरेबल है कि वो म्योनीर के हिट को भी झेल ले। इसकी आर्मर इतनी ड्यूरेबल भी है कि वो ओबडिया स्टेन के एक बाइक से मारे जाने के बाद भी उसका कुछ ना हो। पर उसके साथ ही इसकी आर्मर इतनी कमजोर भी है कि बकी अपने हाथ से इसे क्रश कर दे और अगर उस सीन में यूनिबीम का इस्तेमाल ना किया होता तो बकी उसके आर्क रिएक्टर को उधेड़ ही देता आर्मर से। अब समझे कितने कॉन्ट्रडिक्टिंग चीजें हुई है टोनी के साथ। इसका आर्मर कितना स्ट्रॉन्ग है इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। पर इसकी फाइनल ड्यूरेबिलिटी हम लेंगे एंड गेम से जहां पे थोर ने म्योनीर को हवा में उछाल कर स्ट्रॉम ब्रेकर से म्योनीर को मारा था और वो टकराया था टोनी से। अब वो हिट थोर ने थेनोस को मारने का सोचा था तो ऑफ कोर्स उस अटैक में थोर की पूरी स्ट्रेंथ लगी होगी पर टोनी का आर्मर उसे एंड्योर कर गया। और इसी के साथ एक बात सामने आती है कि अगर ब्लंक इम्पैक्ट हो तो वो चाहे कितनी भी हो टोनी का आर्मर एंड्योर कर लेगा पर वही अगर फोर्स लगाई रखी जाए तो आर्मर को भी भेदा जा सकता है। अगला पैरामीटर है कॉम्बैट। इसमें हम क्लोज और रेंज कॉम्बैट दोनों को लेंगे तो ये पॉइंट भी काफी कॉन्ट्रडिक्टिंग है।
एक आर्मर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है। टोनी चाहे तो उसमें दुनिया भर की सारी फाइटिंग स्टाइल्स को डाल सकता है, पर क्या ये इतना सीधा है? नहीं। दरअसल हम थ्रू आउट द एमसीयू देखे तो क्लोज कॉम्बैट में टोनी की एक नहीं चलती। पहले वो आयरन मॉन्गर से पिट चुका है, वही कुछ समय के लिए उस पर विप्लैश भी भारी पड़ा था। आयरन मैन 3 में किलियन के हाथों भी टोनी कई बार मरते मरते बचा। वही थॉर से भी क्लोज कॉम्बैट में जब ये लड़ा था तब अपने रिपल्सर गवा बैठा था, और कैप्टन और बकी ने क्या हाल किया था वो तो बताने की जरूरत भी नहीं। यह बिल्कुल ऐसा था कि दो ड्रग लिए हुए वॉर वेटरन्स एक ऑर्फन को मार रहे हैं। चलिए इस बात को जाने देते हैं, यानी इतना समझ लीजिए कि क्लोज कॉम्बैट टोनी के लिए नहीं बनी। वही रेंज कॉम्बैट या दूर से लड़ने की बात हो तो टोनी सबसे फ्रेंड्स लोगों में से एक है। पूरे गुलमीरा को आजाद करवा दिया था अकेले। न्यूयॉर्क बैटल में पहुँच कर लड़ने वाला सबसे पहला बंदा यही था। वही बाकी अवेंजर्स जो कि एक जगह पर लड़ रहे थे, टोनी पूरे शहर के स्काईलाइन को अकेले प्रोटेक्ट कर रहा था। वही इसने अल्ट्रॉन को भी अफ्रीकन कोस्ट में भगा भगा कर मारा था। एज ऑफ अल्ट्रॉन के फाइनल बैटल में भी कई अल्ट्रॉन बॉट्स को मार गिराया था। वही रेंज कॉम्बैट में ये ब्लैक डार्फ और हल्क से भी लड़ा था, क्योंकि उस पूरे बैटल में आप देख सकते हैं कि जब टोनी दूरी बनाए हुए रखता है तब बैटल में उसका अपर हैंड रहता है। तो नोट कर लो सभी कि टोनी को हराना है तो क्लोज कॉम्बैट ले आओ। लड़ाई झगड़े से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एडवांसमेंट की तरफ। तो ये सफर शुरू हुआ था ऐसे वर्जन से जो सिर्फ जुगाड़ के लिए बनाया गया था और पहुंच गया नैनो टेक तक। बाबा आदम के टेक से ये पहुंचा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। तो सफर अच्छा खासा रहा है और टोनी अपने शौक को रुकने नहीं देता, और इसका प्रूफ है उसके बनाए हुए पूरे 85 आर्मर्स जो कि उसके हर एक पिछले वर्जन से एडवांस थे। पर इन सब मॉडल में कुछ वर्जन ऐसे भी थे जो काफी कमाल थे, जैसे कि सबसे पहला आर्मर मार्क 3। इसी आर्मर से हमने आयरन मैन को सबसे पहले जाना था, और फर्स्ट मूवी में इसने तो कमाल ही कर दिया था। ये मार्क 1 का लाइटवेट वर्जन था और मॉडिफिकेशन इतनी थी कि क्या कहने। इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया गया था, पावर आउटपुट रिपल्सर्स को ऐड किया गया था, थ्रस्टर्स को ड्यूरेबल बनाया गया था, एक्स्ट्रा लोड और वेट को हटाया गया था, और आखिर में एरोडायनामिक्स चेंजेस करके इसे पूरी तरह फ्लाइंग बीस्ट बना दिया गया था। वही इसके बाद अगर कोई आर्मर पहचाना गया है तो वो है मार्क 7। अवेंजर्स में दिखाया गया ये आर्मर ओवरऑल हर मामले में टॉप ऑफ द क्लास था। बैटल एंड्योरेंस, फायर पावर, टेक्नोलॉजी, एआई असिस्टेंस और फ्लाइट, जिसके बाद सबसे फेमस हुई थी मार्क 42। इस आर्मर की लुक काफी कमाल थी। वही इसमें टोनी की इस्तेमाल की गई फेरहेंसल प्रोपल्शन सिस्टम तो इनसेन थी, जिसे टोनी कहीं से भी एक्सेस कर सकता था और सैकड़ों किलोमीटर दूर भी अपने आर्मर को बुला सकता था। इसके बाद आता है मार्क 44, यानी हल्क बस्टर आर्मर। अकेला आर्मर जो बनाया ही इस मकसद से गया था कि फुली ड्रिल्ड हल्क को रोका जा सके। मल्टी आर्क रिएक्टर से पावर्ड अप हल्क बस्टर लिटरली एक पावर हाउस था। जिसके बाद आते हैं मार्क 50 और मार्क 85 आर्मर्स। ये दोनों नैनोटेक पे बने हुए हैं और एडवांसमेंट इतनी है कि इनमें कोई वेपन ही नहीं है, बल्कि ये खुद एक वेपन है। बाकी आर्मर्स में टोनी आर्मर प्लेट के अंदर वेपन्स रखता था, पर नैनोटेक के बाद ये आर्मर ही वेपन बन जाते हैं। वही एडवांसमेंट सिर्फ इसके वर्जन में नहीं आई, इसकी कंपेबिलिटी में भी आई, जैसे कि एक सूटकेस को ही आर्मर बना देना, एक कुर्सी को आर्मर से अटैच कर देना, और एक घड़ी को रिपल्सर बना देना, और सबसे बढ़िया चेस्ट में लगे हुए उस डिब्बे में आर्मर को रखना। वही इन सब के बाद इसे एज प्रोवाइड करती है इसकी एआई प्रोग्राम्स, जो कि एक सुपर ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करती है। कभी आसान काम करने से पहले मुश्किल करना चाहिए। जार्विस से शुरू हुआ ये सिलसिला फ्राइडे तक पहुंचा, और इसके बीच में हमने वेरोनिका को भी देखा जो टोनी के एक सैटेलाइट से कनेक्टेड थी। वही हमने टडाशी और जोकास्टा को भी देखा, पर इतने के बाद भी फ्राइडे कैप्टन के आगे कह चुकी है He fucked up. Surprise, motherfucker. पर फिर भी ये AI इतने कमाल थे कि उस हेलीकैरियर की इंजीनियरिंग को एक बार ही समझ गए जिसे टोनी ने पहली बार देखा था। अब आखिर का पॉइंट है फायर पावर, असला बारूद और बम गोला, ये सब कितना है? तो देखो यार, इस सेक्शन के शुरू होने से पहले ही मैं बता देता हूँ कि चाहे दौर किसी का भी रहा हो, वॉर मशीन आर्मर इज ओपी। ऑफ कोर्स टोनी अपने आर्मर्स को भी वेल वेपनाइज रखता है, पर थ्रू आउट द एमसीयू आप फायर पावर में वॉर मशीन आर्मर को अपर हैंड में देखेंगे।
बट चूंकि वो भी टोनी का ही बनाया हुआ है और उसे अपग्रेड भी यही बंदा करता रहता है, तो इसे भी इसमें मान सकते हैं। पर बाकी आर्मर्स को देखा जाए तो इसके कंधे पर लगे छोटे से मिसाइल्स चित्तौरी इन्वेजन के कई एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिए थे। वही एक छोटी सी मिसाइल ने पूरे लेवेथियन को उड़ा दिया था। चेस्ट यूनिबीम से ये आयरन मॉन्गर तक को झटका दे चुका है और मिसाइल तो इस बंदे ने भर भर के रखी है, हाथों में, कंधों में और पीठ में और भी पता नहीं कहां कहां। वही इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा कि टोनी ने इन सब वेपन्स की जगह रिपल्सर्स को काफी जोर दिया और मल्टीपल असिस्टिंग रिपल्सर्स बना डाले जो इसके साथ फायर होते थे। वही उनकी स्ट्रेंथ इतनी तो थी कि वो कई चित्तौरी एयरक्राफ्ट को तबाह कर दे, पर इन आर्मर्स के बने हुए गन्स इतना पावरफुल भी नहीं थे कि वो ब्लैक डार्फ का कुछ बिगाड़ सके। शिट, अगेन कॉन्ट्रडिक्शन। तो इस वाले मामले में टोनी के साथ नाइंसाफी हुई है। जब जब टोनी के पावर्स बढ़ते गए हैं, तब उसके ओपोनेंट इस तरह के आते गए हैं जो उसे इवनली या उससे भी ज्यादा मैच कर जाते हो। और इन्फिनिटी वॉर में तो इस बंदे की किस्मत ही खराब थी। Stark, you know me? I do. तो अभी तक के ब्रीफ डिस्कशन में आप देख चुके होंगे कि कितने अप डाउन्स में रहा हमारा टोनी स्टार्क। वही इस पूरे सफर के दौरान सबसे काबिल तारीफ था टोनी का जज्बा कि वो कभी नहीं रुका और एट द एंड भी वो सब कुछ सही करके गया। सो दैट्स इट, ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक करे, नए हो तो सब्सक्राइब करे। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।